गाइस ये बात है साल 1947 की, जब एक सनकी और क्रूर राजा ने हमारे देश में बचे आखिरी 3 चीतों का शिकार करके उन्हें मार दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 1952 में चीतों की प्रजाति इंडिया से विलुप्त घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद ना तो कभी इंडिया के जंगलों में किसी चीते को देखा गया, ना ही उसकी दहाड़ कभी सुनाई दी। लेकिन अब 75 साल बाद इंडिया में एक बार फिर किसी चीते की दहाड़ सुनने को मिलेगी। जी हाँ गाइस, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन पर 8 चीतों को नामीबिया से इंडिया लाया जा रहा है, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। यही नहीं, इन चीतों को लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक खास तरीके का एरोप्लेन भी तैयार करवाया है, जिसमें आगे की तरफ हूबहू चीते की तरह ही डिजाइन बनाया गया है। वैसे गाइस, ये 8 चीते जिस शेर को बधाई देने आ रहे हैं, उन्हें आप भी कमेंट सेक्शन में जन्मदिन की बधाइयां देना मत भूलिएगा। गाइस, एक कहानी है इंडियन आर्मी के उस शेर की, जिसने कारगिल युद्ध में 17 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और टाइगर हिल को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवा दिया। जी हाँ गाइस, महज 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव ने लगभग 16,500 फीट ऊंची और 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाली टाइगर हिल पर अपने अदम्य साहस और बहादुरी से तिरंगा झंडा फहरा दिया था। इतना ही नहीं, गोलियां खत्म होने के बावजूद भी योगेंद्र जी ने अपने हाथों से 4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। योगेंद्र जी के इस अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति जी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी योगेंद्र जी को अपने शो केबीसी में बुलाया था, जहां से जीती हुई पूरी धनराशि उन्होंने आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दी थी। गाइस, योगेंद्र जी के अदम्य साहस के लिए एक हार्ट तो बनता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में एक तथ्य जानते हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, और शायद इसी तर्क पर कई लोग हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी को सही ठहराते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है उस समय की, जब एक नरकासुर नाम का राक्षस राजा राज्य की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता था, और जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और सभी स्त्रियों को मुक्त करा दिया। लेकिन जब वो सारी स्त्रियां अपने घर लौटी तो उनके पति और पिता दोनों ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे दुखी होकर सारी स्त्रियां रोती बिलखती श्री कृष्ण के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची, और तब श्री कृष्ण ने सभी को अधिकार दिया कि पहचान पूछे जाने पर वो खुद को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बता सकती हैं। गाइस, श्री कृष्ण ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वो हजारों महिलाओं को अनाथ और बेसहारा होने से बचा सके। गाइस, क्या आपको पता है कि अब आपको पेटीएम यूज करने के पैसे देने पड़ेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पेटीएम अब तक आपसे बिल्स और ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं लेता था, लेकिन आगे से आपको इन सब चीजों पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पेटीएम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल पेटीएम इस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश में है, क्योंकि पेटीएम पर अभी तक 700 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पेटीएम अब तक सिर्फ लोन देकर ही पैसा कमाता था, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मर्चेंट लोन, जिससे मिलने वाला इंटरेस्ट ही उसकी कमाई थी, और इसमें भी अगर कोई कस्टमर लोन ना चुकाए तो वो घाटा अलग से। बस यही वजह है कि पेटीएम कुछ सर्विसेज पर अब आपसे चार्ज लेगा। वैसे गाइस, अब आप क्या करेंगे? बिना डरे बोलेंगे पेटीएम करो, या फिर पेटीएम ऐप ही बदल देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।